हेलो गाइस, वेलकम टू स्पेकिंग। दोस्तों स्वागत है फिर एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों आज की जो वीडियो वो है KTM ड्यूक 390। ये है TFT मीटर वाली, जैसे कि आपको नजर आ रही है, लेकिन ये बाइक जो किलोमीटर चल चुकी है 55,000 किलोमीटर के आसपास चल चुकी है बाइक, और इसके अंदर इंजन का काम हो रहा है, और इसके अंदर जो 55,000 किलोमीटर पे हो जाना चाहिए था, मतलब अब नहीं होना चाहिए था और पहले काम हो जाना चाहिए था, वो अब होने जा रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर क्या क्या दिक्कतें हैं और कौन कौन सा काम करने वाला है। चलिए दोस्तों फटाफट से पहले एक बार बाइक देखते हैं और बाइक के किलोमीटर चेक करते हैं, और फिर इसके अंदर कितना काम है और कितना खर्चा होने वाला है वो तो आपको पता लग जाएगा वीडियो के अंदर। तो चलिए दोस्तों फटाफट से दिखा आपको फिर एक बार बाइक। दोस्तों ये रही, ये देखो जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी, और एक बार इसकी चाबी को ऑन करते हैं और फिर इसके किलोमीटर देखते हैं और इसके अंदर फिर जो काम है स्टार्ट करते हैं। फटाफट से पहले काम को गिनाएंगे और फिर उसके बाद करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो किलोमीटर जो है 55,787 किलोमीटर बाइक जो चल चुकी है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके अंदर काम की, क्या क्या काम होने वाला है। सबसे पहले बात करें तो इसके जो इंजन है गया हुआ है, मतलब कि जो इंजन ऑयल है गाड़ी खा रही है, और जब भी इसकी सर्विस पे ये इंजन ऑयल हम चेंज करते हैं निकालते हैं तो हमेशा इसके अंदर बहुत ही कम ऑयल निकल रहा है, जिसकी वजह से जो सिलेंडर गेट है वो ऑयल को उठा रही है, मतलब कि ऑयल ख़त्म कर रही है। और अगर धीरे धीरे यही चलता रहा तो हो सकता है फुल इंजन हो जाए, तो अभी टाइम है तो इसलिए अभी इसका हाफ इंजन करेंगे। लेकिन देखो जैसे मैं काफ़ी वीडियो में बता चुका हूँ, जो ये बाइक है वाइट स्मोक नहीं करती, तो एक बार मैं स्टार्ट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि वाइट स्मोक कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। तो देखते मारते सेल्फ, देखो बाइक स्टार्ट है। यहाँ पे मैं रेस दे रहा हूँ, बाइक जो है बिल्कुल भी, बाइक ना वाइट स्मोक बिल्कुल नहीं कर रही, जैसे कि काफी बार आपने देखी मेरी ही वीडियो में, मैं दिखाता हूँ कि जो इंजन से ना वाइट स्मोक आ रहा है, मतलब बहुत ज्यादा, तब हम इंजन करते थे। लेकिन इस केस में देखो बाइक के अंदर से बिल्कुल भी सफेद धुआं नहीं आ रहा और फिर भी इसका इंजन हो रहा है। तो रीजन क्या है, इसका हर बार सर्विस में इंजन ऑयल कम निकल रहा था, क्योंकि हमारे रेगुलर कस्टमर है, इनकी हमने 2-3 बार से सर्विस कर रहे हैं और चेक कर रहे हैं, इनकी जो इंजन ऑयल है हर बार क्वांटिटी कम निकल रही है जितना निकलना चाहिए, ठीक है। हाँ बाइक खाती है 100-200 ml के करीब इंजन ऑयल खाती है, लेकिन ये नहीं कि 800-900 ml ही इंजन ऑयल गायब हो जाए। अगर ऐसा गायब हो रहा है आपकी बाइक के अंदर सर्विस के वक्त, तो इसका मतलब जो इंजन है कहीं ना कहीं वो जो ऑयल है इंजन उठा रहा है, मतलब कि इंजन खा रहा है इंजन ऑयल, हिंदी भाषा में बोले तो जो इंजन है ऑयल को खा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब जो इंजन में दिक्कत तो है ही, आपको कन्फर्म करा दिया। बाकी इंजन की वीडियो आएगी नेक्स्ट पार्ट के अंदर, किस तरीके से इसका इंजन होता है और किस तरीके से इसकी सेम की सेटिंग होती है वो सब कुछ आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा। बात करते हैं इस वाले पार्ट की कि इसके अंदर क्या क्या होने वाला है। तो सबसे पहले देखो ये टेल लाइट देख रहे हो आप, ये देखो एकदम मतलब कलर ही चेंज हो गया। जब ओरिजिनल आती है ना गाड़ी के साथ तो एकदम मस्त लगती है, बगले की तरह चमकी हुई और बढ़िया लगती है देखने में ना, बहुत प्यारी बहुत सुंदर लगती है। लेकिन देखो यहाँ पे इसकी हालत खराब हो गई है, और ये 2018 मॉडल है तो उस हिसाब से ये डल हो गई है और ये टूट भी गई होगी, तभी इसके अंदर पानी गया हुआ, तो इसको चेंज करेंगे यहाँ पे। तो पीछे जो है टेल लाइट वो चेंज हो जाएगी। और कस्टमर मेरे से ये कह रहे थे ये जो व्हाइट वाली चेसिस है ना भाई, इसको ब्लैक करा दो। तो मैंने बोला तो ठीक है ब्लैक करा देते हैं। तो थोड़ी बहुत उनसे बात चली तो कस्टमर ने कहा यार चलो छोड़ दो, अभी रहने दो, नेक्स्ट टाइम अगली बार कराएंगे। लेकिन भाई जैसे उन्होंने बोला था ना ब्लैक करा दो, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा था, क्योंकि देखो रेड एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा लगता है देखने में। आपको देखो अभी तो क्या हो रहा है, रेड एंड व्हाइट हो रहा है, मतलब सॉरी ऑरेंज और व्हाइट हो रहा है। अगर इसको हम ऑरेंज और ब्लैक कर देते ना तो वाकई में पीछे से ना थोड़ी सी अच्छी लगती बाइक, मतलब भारी भारी सी बाइक लगती है। अभी सफ़ेद कलर ना अलग से आंखों को चुभता है, नज़र आता है, जब ब्लैक हो जाता है ना तो गाड़ी के अंदर छुप जाएगा, ये सब कुछ ब्लैक हो जाएगा और पीछे की चेसिस भी ब्लैक हो जाएगी, तो बाइक बढ़िया लगेगी मतलब पीछे से, ठीक है। और ये तो मना करने के बाद उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है ये नहीं करना, तो दोनों जो अलॉय व्हील है फ्रंट एंड रियर इनको मैट ब्लैक कर देते हैं। और दोस्तों ये देखो ऑरेंज है, अभी इनको मैट ब्लैक कर देंगे और ये कैसा लगेगा मैं आपको दिखाएंगे, और कमेंट करके बता सकते हो। इसके अंदर जो मैट ब्लैक तो कर ही रहे हैं, साथ में ही देख रहे हो आप ये वाला जो हिस्सा है इसको टेप कर दिया है, ताकि जब पेंट होगा और जब ये टेप हटाई जाएगी तो यहाँ पे क्या होगा, वो जो ऑरेंज है ये वाला कलर अलग निकल के आएगा, और पूरा जो अलॉय व्हील है वो ब्लैक मैट ब्लैक रहेगा, तो दिखने में एक अलग ही कलर आएगा, बहुत ही ज्यादा सुंदर लगेगा। क्योंकि मैं ऑलरेडी इसके अंदर एक अलॉय व्हील पेंट करवा चुका हूँ, जिसमें ये मैंने सिर्फ ऑरेंज छोड़ा था, बाकी पूरा का पूरा शाइन ब्लैक कराया था, ज्यादा अच्छा लगा था देखने में अलॉय व्हील। अब बात करते हैं इसके फ्रंट वाले की, तो फ्रंट वाला पहले से इन्होंने ब्लैक करा रखा है तो आप देख सकते हो, लेकिन ये जो जगह जगह जो है कलर छोड़ चुका है, तो इसको मैट ब्लैक करेंगे और दिखने में सुंदर लगेगा जैसे कि मैं सोच रहा हूँ, और कराएंगे तो देखते हैं फिर कैसा लगता है बाद में। और ये देखो जैसे कि आपको नजर आ रहा है यह इसके क्रैश गार्ड, ठीक है। तो क्रैश गार्ड को भी मैंने ही बोला था उनको, यार जब आप ये ब्लैक करा रहे हो तो एक बार इसको भी पूरा ब्लैक करा लो, क्योंकि ये जाना का जो स्टिकर है ये भी हट जाएगा और प्लस ब्लैक हो जाएगा, तो दिखने में ना अच्छी लगेगा। ये अभी ऑरेंज है और जब ये ब्लैक हो जाएगा तो थोड़ा सा सुंदर लगेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो बेल्डिंग वेल्डिंग करा रखी है, ये भी जो ऐब है ये छुप जाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों को ब्लैक कराएंगे जैसे कि आपको नजर आ रहा है। और बात करते हैं इसकी, ये तो हो गया ब्यूटी हो गया, ये तो मतलब सुंदरता बढ़ाने के लिए हो गया। अब बात करते हैं इसके चलाने में कम्फर्ट कैसे मिलता है। तो दोस्तों इन्होंने आज तक मतलब शोकर सील का तो काम करा रखा होगा, क्योंकि 50,000 तक मुझे नहीं लगता किसी की KTM बाइक में चला है, ये KTM की तो प्रॉब्लम है
खड़े खड़े भी शोकर लीक हो जाता है। तो इन बाइक के जो शोकर ऑयल लीक नहीं है, मतलब कहीं से भी लीकेज नहीं है, लेकिन हमें इसके अंदर क्या करना है, शोकर को रिफिल करना है। मतलब एक टाइम आता है जब काफ़ी टाइम जब हो जाता है बाइक को चलाते चलाते, तो एक बार आपने अपने शोकर को रिफिल करा ले, मतलब सिर्फ और सिर्फ ऑयल चेंज करा ले और दोनों में बराबर क्वांटिटी में ऑयल रखें। जब आप बाइक को चलाओगे तो भाई अलग ही लेवल की एक बाइक चलेगी, वरना क्या होगा ये धीरे धीरे ऑयल ना कंजेशन में, मतलब ऑयल धीरे धीरे खत्म होने लगता है। और भाई अगर आपने कभी शोकर ऑयल चेंज कराया होगा और काफ़ी दिनों के बाद कराओगे ना, तो इतनी गंदी बदबू मारता ना वो शोकर ऑयल बहुत ज़्यादा। तो उसकी वजह से क्या होता है, वो जो शोकर ऑयल है ना, बदबू की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे, बात इसकी जैसे ऑयल जब धीरे धीरे जमने लगता है ना अंदर, तो पंपिंग ना बहुत स्लो हो जाती है, मतलब या तो बहुत स्लो हो जाएगी या बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो उस केस में अगर आपकी हैंडल से आगे से गाड़ी में ब्रेक मारने पर ज़्यादा दब रहा है या टाइट दब रहा है, तो उस चीज़ में जो आपके शोकर ऑयल में कहीं ना कहीं कमी है, इसमें क्या हो रहा है जब ब्रेक मारे तो बहुत ज़्यादा दब रहा है, तो इसका मतलब जो शोकर ऑयल है कहीं ना कहीं कम है, या कहीं ना कहीं जैसे काफ़ी टाइम से चेंज नहीं हुआ तो उसकी वजह से जो ऑयल की क्वांटिटी कम हो रही है शोकर ऑयल की। तो इसलिए हम फटाफट से क्या करेंगे, इनके जो शोकर ऑयल है सील ओके है, सील में कोई दिक्कत नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसके जो शोकर ऑयल है सिर्फ दोनों के शोकर ऑयल को चेंज करेंगे और बराबर क्वांटिटी में डालेंगे, ताकि जो बाइक चलाने में इंजन के बाद मज़ा आ जाए। ठीक है, ये हो गया एक काम। और बात करें तो जो इंजन की मैंने कॉस्ट दी है अभी, वो दी है 30,000 रुपये करीब, एक मोटा मोटा एस्टिमेट दिया और एडवांस भी यहाँ पे कस्टमर से आ गया जैसे कि आप देख सकते हो। तो अभी जो मैंने इंजन का सिर्फ खर्चा भी दिया था 30,000 रुपये के आसपास के, भाई इतने रुपये में शायद हो सकता है। और बात करें जैसे कि बोस शोकर सील मैंने आपको बताया था, तो बोस शोकर सील तो हो ही जाएगा। और दोस्तों आगे की तरफ देख रहे हो ना, ये वाली लाइट भी जो चल नहीं रही है, कस्टमर ने कहा भाई इनको भी चेक कर लेना। तो ये लाइटें हैं ना, इनको भी चेक करेंगे, इनको भी चलाना है, मतलब कि जल रही है या नहीं जल रही है, ख़राब तो नहीं होगी कहीं, वो सब कुछ चेक करेंगे लाइटें दोनों की दोनों। ये देखिए इसका जो हॉर्न की नॉट वर्किंग है, हम यहाँ पे सारे के सारे रिमार्क में लिख लेते हैं, जैसे कि कस्टमर ने बताया था कि भाई इसके ना हॉर्न ना कभी बसता कभी नहीं बसता, या हॉर्न को चेक कर लेना, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया हॉर्न नॉट वर्किंग, चेक करना है। ठीक है, और अब बात करते हैं इसकी फ्रंट सीट की। ठीक है, ये देखिए ये वाली सीट देख रहे हो, तो यहाँ पे जो है कस्टमर ने साफ कहा है कि भाई इस सीट को चेंज कर देना। तो अभी हम पता कर रहे हैं, सीट इसके बैक साइड में ही गोदाम है, तो वहाँ पे एक बार देख लेंगे कितने रुपए की सीट है, तो मैंने यहाँ पे पैसे नहीं लिखे, वो भी लिख देंगे बाद में। तो ये वाली जो सीटें चेंज हो रही है, अब आगे वाली सीट चेंज होगी। ठीक है, और अब बात करते हैं इसके अंदर और क्या, टेल लाइट तो मैंने आपको बता दिया, बहुत अलाइवल का बता दिया मैंने आपको कि बहुत अलाइवल है ये, तो ये कम्प्लीट काम करेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे तो इसके अंदर ये इतना सारा काम है, बाकी खोलने के बाद और पता लगेगा क्या क्या दिक्कतें हैं क्या क्या नहीं है। और बात करें इसके चैन सेट की दोस्तों, तो ये देखो चैन सेट भी इसका खत्म है पूरा का पूरा, तो चैन सेट जो है इसका भी चेंज होगा। और देखो ये मेजरमेंट होती है, अगर आपको चेक करना है तो ये वाला जो हिस्सा ही जैसे जैसे पीछे आता रहेगा और जो गरारी है वो कटती रहेगी, तो ये पीछे की तरफ आता रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं चैन सेट में दिक्कत है, तो वो चैन सेट चेंज करना चाहिए अगर आपकी बाइक में भी ऐसा होता है, लेकिन इस बाइक में तो चैन सेट खत्म हुआ पड़ा है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं और फिर मिलते हैं तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर, और दोस्तों उसके अंदर देखेंगे जो इसके अंदर इंजन के अंदर दिक्कत है या कुछ और भी निकलता है, तो वो आप तक पता लग जाएगा। दोस्तों मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को करें लाइक शेयर सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच गए। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर।